आज यानी कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की और इसे लेकर असम की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम के कोकराझार में एक पुल और उसके पास के सड़क को साफ रखने के लिए मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोग सुबह के समय रोजाना सफाई अभियान चलाते हैं, जो कि सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि असम के कोकराझार में मॉर्निंग वॉक के दौरान सफाई करने वाले लोगों के कारण स्वच्छता अभियान को और अधिक बल मिलेगी। दरअसल असम के कोकराझार के इस अभियान के तहत डॉक्टर से लेकर प्रोफेसर और अधिकारियों से लेकर पत्रकारों तक विभिन्न व्यवसायों के 20 से अधिक नागरिक इस स्वच्छता अभियान में भाग लेते हैं और सड़क को साफ करते हैं। स्वच्छता अभियान में शामिल होने वाले अधिकांश नागरिक नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक करने वाले होते हैं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नागरिक होते हैं। एक बार आप भी सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस पूरे विषय पर क्या कहा। साथियों, 8 साल पहले देश ने जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, समय के साथ उसका विस्तार भी बढ़ता गया, नए नए इनोवेशन भी जुड़ते गए। भारत में आप कहीं पर भी जाएंगे तो पाएंगे कि हर तरफ स्वच्छता के लिए कोई न कोई प्रयास जरूर हो रहा है। असम के कोकराझार में ऐसे ही एक प्रयास के बारे में मुझे पता चला। यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स के एक समूह ने स्वच्छ और हरित कोकराझार मिशन के तहत बहुत प्रशंसनीय पहल की। इन सब ने नए फ्लाईओवर क्षेत्र में 3 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई कर स्वच्छता का प्रेरक संदेश दिया। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय है, आप कमेंट बॉक्स में आएं, आपकी राय को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अधिक खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए ईस्ट न्यूज़। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।